समझ गया ना भाई क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा एक कदम पीछे पीछे हो, तू एक्शन बोलियो फिर मैं करूंगा। ठीक है, स्टैंड बाय रोलिंग। यस। क्यों? अबे लेकिन यार अगर तू मोबाइल से वीडियो बनाएगा तो एक्टिंग कौन करेगा? हाँ यार मैं यही सोच रहा था यार। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे पागल बा, अब को मोबाइल दे। अरे अब्बा वीडियो बनानी है। कैसी वीडियो, किसी की वीडियो है? अरे अब्बा छोड़ो यार, रिकॉर्ड में डाल के ना एक्शन बोल देना। ठीक है एक्शन। जी भाई मुझे चप्पल पहना देंगे? क्यों आपके हाथ नहीं है क्या? अरे अब्बा ये टिकटॉक बना रहे थे ना हम लोग, आजकल बड़ा वायरल चल रहा है। अरे मोरू मोरू निकलो, अरे मोरू मोरू निकलो, देखिए बच्चे अंदर इस आदमी के बचपन से हाथ नहीं है। नहीं बचपन से नहीं है, बचपन से हाथ नहीं है तो आज तीन वाली शर्ट और जगह पहने चप्पल पहनने के लिए तुम्हें दूसरे आदमी की मदद किया बच्चे। अश्वथ अंकल, अश्वथ अंकल मुझे कुछ पैसे चाहिए। किसके जरूरत है पैसों की? अरे नहीं अश्वथ अंकल, मुझे असल में पासपोर्ट और NIC बनवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अरे दिमाग खराब हो गया, भिखारियों से कौन शनाख्ती कार्ड मांगता है? मैं जाके किसी मजारा बैठ जाऊँ, उठाए तो मेरा नाम ले देना। क्या हो गया अश्वथ अंकल, मुझे अपने पाँव पर खड़े होने के लिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के लिए अच्छा जरूरत है पैसों की। अबे मैंने तुझे बोल दिया निकल तो निकल ना, अभी मेरा हाथ बने वरना तुझे बहुत बता तो तुझे। अरे एक मिनट रुके रुके रुके, मेरे पास 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड है। अरे भाई प्राइस बॉन्ड से क्या होता है, और बताओ जरा प्राइस बॉन्ड दिखा के हमसे कैश मांग रहा है। खोलो जरा, खोलो प्राइस बॉन्ड, खोलो इधर, खोलो इधर। हां खोलो। ये क्या कर रहे हैं? अरे असल में भाई इंटरनेट पे स्कैन करके चेक कर रहा हूं, प्राइस बॉन्ड असली है नकली? भिखारियों के पास असली प्राइस बॉन्ड कहां से आ सकता है? ठीक है तो क्या आप मुझे वाकई में पैसे दे रहे हैं? अरे निकलो भाई यहां से, कोई पैसे वैसे नहीं दे रहा मैं तुम्हें। अश्वथ अंकल आप मुझे धुतकार रहे हैं। चलो जाओ इधर से, हर कोई यहां से चलो। क्या हो गया आपका, क्या मसला भाई, आप क्यों मदासलत कर रहे हैं? अश्वथ चाचा ये महागलत क्या होता है? अब आबा सुल्तान आपको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, इंतहाई गलत बात है, ये नहीं बोलनी चाहिए थी। तुमने मेरे को ये समझा है? अश्वथ चाचा अब ये इसके साथ क्या करें? अरे ढूंढ के उसे मारो, भाई ने क्यों दिया, जाओ जल्दी उसके पीछे। मेरे काम तो कर दो। अब क्या काम करना, क्या काम करना? भैया डरा क्यों रहे भाई, मेरी सिप खोल दो यार। नीचे की थोड़ी ऊपर की यार, फिर क्या कर रहे हैं? ये बताओ जरा, ये हाथ अंदर करके सिर्फ ऊपर करने का आइडिया किसका था? लाला का। बेटा दोबारा ये गलती मत करना लाला के साथ, वरना मेरे पास रोते हुए आओगे लाला ने ये कर दिया, लाला ने वो कर दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। सेल्फ डिफेंस इंसान की अपनी चॉइस होती है। वैसे अब वो क्या कर सकता है? ये मासूम बच्चे तू क्यों नहीं समझ रहा, क्यों नहीं समझ रहा तू? लो फिर किसी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया। क्या हो गया आपको भाई, मैं हूँ। अरे क्यों रो रहा है? मुझे लाला ने मारा है। क्यों पिटवा दिया तुझे? अरे मैं गया था अश्वथ अंकल के पास कि मुझे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, पैसे तो दिए नहीं उन्होंने, उल्टा मुझे लाला से पिटवा दिया। हशु को तो ना खुदा का खौफ ही खत्म हो गया, मजलूम की बदवा से भी नहीं डर रहा है वो। अरे 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 सब खैर तो है, आप दोनों सुबह सुबह क्यों खड़े हैं? इसे है ना लाला ने मारा है। है? लाला ने मगर क्यों? इसने है ना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए उनसे पैसे मांगे, तुम्हारे बाप ने इसे पिटवा दिया उससे लाला से। सुल्तान साहब कितने पैसे चाहिए आपको? जी मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000? लो मैं देता हूँ। फिरोज क्या कह रहे हो? अरे बेगम जरूरतमंद की मदद करो, अगर मैं जरूरतमंद की आज मदद नहीं करूँगा तो फिर मैं कब करूँगा? कितने पैसे चाहिए आपको? कोई पूरी दुनिया में तुम ही रह गए जरूरतमंद और मोहताजों की मदद करने में। एक मिनट आप गलत समझ रही हैं, मेरे पास 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड है जो मैं बतौर जमानत रखवाना चाहता हूँ। लो अब तो जमानत भी आ गई, बात ही खत्म हो गई। फिर भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे आप एक चुप करें ना यार। अरे एक मिनट यार, ये अरे बस हो गया ना, हो गया, आपने गिन तो लिया ना? जी 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 बिल्कुल पूरा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका ताहयात शुक्रगुजार रहूंगा, मेरे बच्चे बीवी सब आपको दुआएं देंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। सुल्तान साहब ये शर्मिंदा क्या? अरे फिरोज तूने इतना बड़ा नेकी का काम किया ना, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अल्लाह तुझे बहुत बड़ा इनाम देगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुदा तरसी नहीं जाग रही तुम्हारे अंदर? बेगम देखिए मुश्किल के वक्त किसी जरूरतमंद की मदद करने के एहसास को आप कैसे समझ सकती है? मुझे समझना भी नहीं है, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि पैसे नहीं दो तो क्यों निकाल कर दिए? देखिए बेगम देखिए आप समझने की कोशिश करें, देखिए हम एक तरह से देखा जाए तो नुकसान में अब भी नहीं जा रहे हैं। 40,000 का प्राइस बॉन्ड उसने मुझे दिया है, मैंने सिर्फ उसको 10,000 रुपए दिए, 30,000 का अब भी हमें प्रॉफिट है, सोचे तो। मुझे फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने कही हुई बात पूरी करनी होती है, तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना? ठीक है
गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगा। अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं ऑफिस चले जाऊं। जाओ। अगर मेरे पीछे हाथ बंधे होंगे ना तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, अरे अब्बा ये बोल ले दोबारा वही टिकटॉक बनाने वाला खेलते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? उल्टा सीधा वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ गए, टिकटॉकर बनोगे तुम लोग? तुम लोगों को अंदाजा है क्या हुआ है? क्या क्या? अरे भाई सुल्तान के प्राइस बोर्ड में मैंने इंटरनेट पर चेक किया, 8 करोड़ का इनाम निकला है। 8 करोड़ इस जगह पे आ जाएगा इतना? अरे उठो भाई, तुम्हारा कौन सा इनाम लगा है? सुल्तान का नाम लगा है 8 करोड़ का? ये बेहोश हो गए बेवकूफ कहीं के। अरे किसी का भी निकला है, निकला तो है ना 8 करोड़। अरे भाई अब ये बताओ कि किस तरह सुल्तान को दोबारा घेरना है उससे बैट बॉल खरीदने के लिए? अरे अब्बा हमने उसको इतना मारा पीटा है वो कद्दू देगा। अरे यही तो तुम्हारा इम्तिहान है कि किस तरह उसको घेरना है। जाओ जाके बोलो अब्बा बुला। जाओ अरे आ जाओ सुल्तान। सुल्तान अब क्या लंबी उम्र है भाई, और माशाल्लाह हाइट भी लंबी हो गई। Nope. क्या हो गया आपको भाई? मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ, क्या हो गया? अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया। खैर सुल्तान, बच्चों ने मुझे समझाया, मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ है। शहरी और लाला ने कहा कि जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। तो आपको कितने पैसे चाहिए? लाइए प्राइस बोर्ड निकालिए। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम तो नाराज ही हो गए भाई, मजाक कर रहे थे हम लोग। लाला ने भी प्यार से मारा था तुम्हें, और लाला की मार भाई की मार है, मुसलमान मुसलमान भाई होते। ठीक है निकालो भाई निकालो। अरे मैंने वो प्राइस बोर्ड फिरोज को देकर उससे रकम ले ली है, मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या किया तुमने बेवकूफ आदमी, थोड़ी देर तुमसे सबर नहीं हो सकता था? बताओ जरा, ऐसे ही लोग होते हैं जो पैसे के लिए अपनी मां तक बेच देते। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, तुझसे आधा घंटा सबर नहीं हुआ और जाके फौरन फिरोज को भेज दिया। मेरी चीज थी, मैं बेचूं फिरोज को या नहीं बेचूं मेरी मर्जी, मेरा माल है। क्या हो गया आपको? अलग का बेवकूफा का खुदे यदि घर का जखन छे तुम्हारे को पता है उसमें 8। एक मिनट, 8 क्या? 8 अब संभालो। 8,000 रुपए का इनाम निकला है उसमें। बेवकूफ आदमी आप, 8,000 रुपए का इनाम कैसे निकल सकता है? 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड था वो। अरे कितने का प्राइस बॉन्ड था, कितने का इनाम था, सारी भैंस से क्या फायदा जो प्राइस बॉन्ड तुम्हारे पास है ही नहीं? निकलो यहाँ से, निकलो। माँ के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माँ को लेकर ज्यादा ही कैसी हो गया। खैर अब हमें फिरोज से वापस खरीदना प्राइस बॉन्ड, और इस काम में तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। तो हमें क्या मिलेगा? अरे भाई तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिल जाएगा। 80 लाख रुपए मिलेगा हमारा को? ना खराब, 80 लाख क्यों मिलेगा भाई? 10% मिलेगा तो 80 लाख हो गए ना। नहीं 10% नहीं मिलेगा, 1% मिलेगा, उसको आधा आधा कर लेना। आधा आधा नहीं चाहिए भाई हमें, आप पहले बोल दिए। अरे भाई 8 करोड़ का 0.5% 4 लाख होता है, 4 लाख तुम्हारा, 4 लाख इसका, क्या बोलते हो? 2 लाख 4 लाख। हाँ हाँ ये हमारा हिसाब ऐसे ही, उठाओ उठाओ 10% तो पता है, 4 लाख का आधा करना नहीं आ रहा।